कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। इस नए कानून के तहत चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों को इनके साथ साथ शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना योद्धा से अगर कोई अभद्रता या फिर गलत व्यवहार करता है, उन पर हमला करता है, तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान, 50,000 से लेकर 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया है। नए कानून में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, स्वच्छता कर्मी और सरकार द्वारा तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से अभद्रता करने पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य और जिला स्तर पर महामारी नियंत्रण प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिले में जिलाधिकारी प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और किसी भी कोरोना वॉरियर पर थूकने और आइसोलेशन तोड़ने पर भी इस कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। इस कानून के तहत कोरोना योद्धा के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा का, 50,000 से 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस नए अध्यादेश के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित 7 अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। दूसरा 3 सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसके अध्यक्ष खुद डीएम होंगे। राज्य प्राधिकरण महामारी की रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 1 से 3 साल की सजा, जुर्माना 10,000 से लेकर 1 लाख तक, अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ 1 साल से 3 साल तक की सजा, जुर्माना 10,000 से 1 लाख तक, अस्पताल क्वारंटीन सेंटर में अश्लील अभद्र व्यवहार करने पर 1 से लेकर 3 साल की सजा, 50,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना। इसमें लॉकडाउन तोड़ने और इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है। अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई भी कोरोना मरीज स्वयं को छिपाता है तो उसे 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है, 50,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोरोना मरीज जानबूझकर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है तो उसके लिए 1 से लेकर 3 साल तक की सजा है, 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना भी उसे देना पड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का 43वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आज के दिन सूबे की सरकार ने जहां एक तरफ कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है, तो वहीं पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने के साथ ही देशी विदेशी शराब के दामों में भी इजाफा करने का सरीखा फैसला लिया। आज के दिन विधान परिषद के शिक्षक स्नातक क्षेत्र के 11 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया। जिन 11 सदस्यों का कार्यकाल आज समाप्त हुआ उनमें शिक्षक दल के ओम प्रकाश शर्मा भी हैं। मेरठ निवासी ओम प्रकाश शर्मा बीते 48 सालों से विधान परिषद के सदस्य हैं और आज उनका कार्यकाल पूरा हुआ। उन्हें अब फिर से विधान परिषद में पहुंचने के लिए चुनाव लड़ना होगा। फिलहाल लॉकडाउन के चलते निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद चुनाव पर रोक लगाई हुई है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही परिषद में आज रिक्त हुए 11 सदस्यों के रिक्त पदों पर चुनाव होगा। आज रिक्त हुई विधान परिषद की 11 सीटों पर बीते अप्रैल में चुनाव प्रस्तावित था, लेकिन लॉकडाउन के चलने निर्वाचन आयोग और चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। अब चुनाव होने तक विधान परिषद की 11 सीटें रिक्त ही रहेंगी। राज्य की 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में 38 सदस्यों का चुनाव विधायकों के ही द्वारा किया जाता है, 36 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। शिक्षक दल के 8 सदस्य चुनाव प्रदेश का शिक्षक समुदाय करता है, जबकि स्नातक क्षेत्र के 8 सदस्यों का चुनाव स्नातक मतदाता करते हैं। तो देखिए किन किन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ है। इनमें ओम प्रकाश शर्मा है, जगवीर किशोर जैन है, ध्रुव कुमार त्रिपाठी है, हेम सिंह पुंडी है। इसके अलावा निर्दल समूह के चेत नारायण सिंह और क्रांति सिंह है। 11 स्थान रिक्त हो चुके हैं। अब सपा के डॉक्टर असीम यादव, संजय कुमार मिश्र भी हैं। राजेंद्र कुमार स्टेट हेड यूपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, अब 11 स्थान रिक्त रहेंगे क्योंकि अभी फिलहाल किसी भी तरह के चुनाव को लेकर रोक है। ऐसे में जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ उनके नामों का जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो अवरोध है वो लॉकडाउन के चलते है जी। अदरवाइज ये चुनाव अप्रैल में इनकी प्रोसेस शुरू हो गई थी और इनमें नामांकन भी होने के मतलब नाम तय हो गए थे, नामांकन दाखिल हुआ होना था
पर अब जब से लॉकडाउन हुआ है और चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगाई है तो इनका अब इंतजार ही करना होगा कि जब चुनाव होगा तब ये चुने जाएंगे। और रोचक बात यह है कि ये जो 11 लोग रिक्त आज जिनका स्थान खाली हुआ है या पद, उनमें ओम प्रकाश शर्मा है एक, ये शिक्षक दल के ओम प्रकाश शर्मा 48 सालों से विधान परिषद के सदस्य हैं। ये देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लगातार इतने सालों से किसी सदन के सदस्य रहे हैं और अब ये आज उनका भी कार्यकाल खत्म हुआ है। तो अब देखना ये है कि ये चुनाव कब शुरू होंगे और ये जितने लोगों के आज रिक्त हुआ है जो वो सभी चुनाव लड़ेंगे। ये बात मुझे ओम प्रकाश जी ने बताई है कि वो एक बार फिर नामांकन दाखिल करेंगे और इस सदन में पहुंचने का प्रयास करेंगे ताकि एक ऐसा अमिट रिकॉर्ड बन पाए कि संसार में इतने लंबे समय तक किसी भी लोकतंत्र में कोई व्यक्ति लगातार सदन में का सदस्य नहीं रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजेंद्र जी। निर्दल समूह के चेतनारायण सिंह, क्रांति सिंह, सपा के डॉक्टर असीम यादव, संजय कुमार मिश्र, इन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ जिनमें बीजेपी के केदारनाथ सिंह और डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा भी शामिल हैं। ओम प्रकाश शर्मा, जगबीर किशोर जैन, उमेश द्विवेदी, ध्रुव कुमार त्रिपाठी, हेम सिंह पुंडी, और न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बार फिर से दमदार असर हुआ। मजदूरों पर सैनिटाइजेशन के मामले में नगर निगम की कार्रवाई, आउटसोर्सिंग के दो लोगों पर गाज गिरी है। नगर आयुक्त ने यह जानकारी साझा की है। मशीन ऑपरेटर और सुपरवाइजर को हटाया गया, नगर आयुक्त ने कहा काम में लापरवाही की वजह से इनको हटाया गया है। नगर निगम के निर्देश अब खुले में नहीं होगा गाड़ियों का सैनिटाइजेशन, किसी भी गाड़ी का सैनिटाइजेशन सिर्फ गैराज में होगा। नगर आयुक्त ने कहा सैनिटाइजेशन टीम के साथ अब एक सैनिटरी इंस्पेक्टर भी साथ साथ चलेगा। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील बराला ने भी मामले का संज्ञान लिया था, श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील बराला। आपको ये तस्वीरें याद होंगी, इससे पहले एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिसके बाद इस तस्वीर ने और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये किस तरह का सिस्टम है। सैनिटाइजेशन टीम के साथ अब एक सैनिटरी इंस्पेक्टर भी साथ साथ चलेगा, क्योंकि इस मामले में देखिए किस तरीके से एक श्रमिक के ऊपर स्प्रे किया जा रहा है। मजदूरों पर सैनिटाइजेशन के मामले में नगर निगम की कार्रवाई, आउटसोर्सिंग के दो लोगों पर गाज गिरी है। देखिए ये पूरे सामान के साथ में बैठे श्रमिक हैं जिनके ऊपर इस तरह से इस केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, जबकि पिछली दफा इसी केमिकल के छिड़काव के बाद में जब लोगों के अंदर समस्याएं सामने आई थी तभी यह स्पष्ट हो गया था कि इस तरीके से किसी के ऊपर भी यूं छिड़काव नहीं किया जा सकता सोडियम हाइपोक्लोराइड का, लेकिन फिर भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का इन पर छिड़काव किया जा रहा है, इनकी ही जान को जोखिम में डालकर। और देखिए किस तरीके से वो युवक अपना चेहरा ढक रहा है, हाथ जोड़ रहा है और उसके ऊपर लगातार उनके पूरे सामान पर इसी तरह छिड़काव किया जा रहा है। अब न्यूज वन इंडिया की खबर का देखिए फिर से दमदार असर, इससे पहले एक्शन लिया जा चुका है और अब मजदूरों पर सैनिटाइजेशन के मामले में नगर निगम ने भी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए आउटसोर्सिंग के दो लोगों पर गाज गिरी है। नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया है मशीन ऑपरेटर और सुपरवाइजर को हटाया गया, काम में लापरवाही की वजह से इन्हें हटाया गया है, नगर आयुक्त ने कहा। नगर निगम के निर्देश अब खुले में नहीं होगा गाड़ियों का सैनिटाइजेशन, किसी भी गाड़ी का सैनिटाइजेशन सिर्फ गैराज में ही होगा। गौतम बुद्ध नगर में उद्योगों के संचालन तेजी से शुरू किया जा चुका है। अब तक 300 से ज्यादा उद्योग नोएडा में शुरू हो चुके हैं। सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, उद्योगों से लिखित रूप में ये लिया गया है। क्या कुछ कहा है गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने, जरा सुनिए। लॉकडाउन 1 और 2 में फीस उस वक्त
देने के लिए फोर्स ना करें, इसको डिफर करने के लिए एडवाइजरी और आदेश दिया गया था और ज़्यादातर स्कूल्स ने उनको इस आदेश का पालन भी किया है। जहाँ जहाँ शिकायत आई है उसमें कार्रवाई भी की जा रही है। 1 और 2 के बारे में जहाँ तक लॉकडाउन 3 से संबंधित है, आजकल में ही जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि इसमें स्कूल से भी परामर्श लेते हुए अभिभावकों से भी तमाम सारे बिंदु उठाए गए हैं। उन समस्त बिंदुओं को डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांसल कमेटी के समक्ष रखने के लिए कहा गया है। उस कमेटी में अभिभावक जो बच्चों की फीस के बारे में उठाए गए बिंदु प्लस जो स्कूल्स द्वारा उनके टीचर्स को भी सैलरी देनी है कि क्या रीजनेबल बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा, जिसमें जो भी बर्डन होगी डिज़ास्टर की कोविड की उनको स्कूल्स को भी उठाना पड़ेगा। तो अतः ये इसका निर्धारण के लिए डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिहर्सल कमेटी द्वारा गाइडलाइन स्कूल्स को